चलिए, कल हम लोगों ने थोड़े से बेसिक से उठ के व्हाट इज साइंस के बाद व्हाट इज केमिस्ट्री क्लियर किया था एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्लियर किया था। अब हम लोग जो बातें करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री की ब्रांचेस की मैंने बातें की जो कि चार ब्रांचेस हम लोगों को फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल हम लोगों को 11th और 12th में पढ़ने हैं जो कि यूजफुल है बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव के लिए। ठीक, अब बातें करेंगे हम लोग आगे की। तो आगे में लिखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, स्टार करके लिखना, केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। दैट मींस मतलब केमिस्ट्री की एक्सपेरिमेंटल साइंस है, बिना एक्सपेरिमेंट के हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। जैसे कि कुछ बोल सकते हैं कि टू टू का मतलब व्हाट, 2 मीटर, 2 केजी, 2 एंगस्ट्रम, 2 कैल्विन, 2 डिग्री सेल्सियस। व्हाट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू? टू इज ओनली काउंटिंग नंबर्स, नॉट टू इज एक एक्सपेरिमेंटल डाटा और ए वैल्यू। बट इन अदर सेंस, इफ यू एड ऐसा यूनिट विथ द टू, अगर हम लोग टू के साथ एक ऐसा यूनिट ऐड करें, जैसे कि 2 मीटर, इट इज एन एक्यूरेट फिजिकल डाटा। 2 मीटर इज एन एक्यूरेट डाटा। क्लियर? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस दैट इन्वॉल्व लिखते चलना, दैट इन्वॉल्व वेरियस ऑब्जर्वेशन, दैट इन्वॉल्व वेरियस ऑब्जर्वेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। क्लियर? टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक, इसके बाद से अगले पॉइंट लिखेंगे उसके अगले पॉइंट्स में। ठीक है, अगले पॉइंट्स में लिख लेंगे थोड़ा सा द क्वांटिटिव साइंटिफिक नोटेशंस। द क्वांटिटिव जो कि क्वांटिटी होते हैं किसी चीज की, जैसे 2 केजी, तो 2 के आगे केजी लगाना जरूरी होता है, वही चीजें मैं लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, द क्वांटिटिव साइंटिफिक नोटेशंस आर जनरली डिनोटेड बाई देयर एस आई यूनिट्स लाइक लेंथ, केजी, मीटर, कैल्विन एक्सेट्रा। ठीक, अगले पॉइंट में लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन, द फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन। ये सब पॉइंट्स है याद करने वाली और समझने वाली की। द फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन इन द टर्म ऑफ द नंबर विथ देयर एस आई यूनिट, विथ देयर एस आई यूनिट। अब हम लोगों ने बात कर लेने हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो तो कैसे लिखते हैं। तो वो यहां पे तुम लोगों को क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो वो होगा एक नंबर इनटू जो भी हो 10^n के फॉर्म में लिखते हैं एंड एस आई यूनिट। अब एस आई यूनिट क्या है तो नीचे में लिख लेंगे, एस आई यूनिट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ एनी नंबर, टू यूनिट ऑफ एनी नंबर। मतलब उस नंबर का यूनिट क्या है, उस क्वांटिटी का यूनिट क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया था उसको हम लोगों ने एस आई सिस्टम बोला या एस आई यूनिट बोला। क्लियर है? अब थोड़ी सी आगे चल के अगर लिख लें तो इसमें लिख सकते हो विदाउट मेंशनिंग द यूनिट, मतलब अगर यूनिट का मेंशन ना करे तब, तो विदाउट मेंशनिंग द यूनिट कॉमा कर लिखना द नंबर हैज नो मीनिंग, द नंबर हैज नो मीनिंग। थोड़ी सी देरी में और ये क्लियर हो जाता है तो हम आगे पढ़ लेते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 4, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज, अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 4, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस 4 है, इसका मतलब क्या है? इसका साफ मतलब है कि कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 किलोमीटर नहीं बोला, 4 मीटर नहीं बोला, 4 सेंटीमीटर नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मतलब दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बाय यू सर। ठीक है, तो दिस इज ए इनकम्प्लीट डाटा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एस आई यूनिट, इट इज इनकम्प्लीट वी कैन से। ठीक है, तो इतना तुम लोग लिखने के बाद दैट मीन्स नथिंग लिखना, दैट मीन्स नथिंग, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 4, दैट मीन्स नथिंग विदाउट एस आई यूनिट। ठीक है, आगे लिखेंगे फॉर ए गिवेन फिजिकल क्वांटिटी, लिखना
फॉर ए गिवेन फिजिकल क्वांटिटी. फर्स्ट पॉइंट में व्हेन यूनिट चेंजेस, अगर यूनिट को चेंज कर रहे हैं, सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा. अगर यूनिट को चेंज कर रहे हैं, ये मैं बताऊंगा कि कैसे, कितना चेंजिंग होने पे कितना क्या आता है. पहले एल कहाँ गया, क्या रखी ना, कितना चेंजिंग होने पे क्या आते हैं, उसके पहले देख ले. आगे अगर मैं ये नंबर लिखा हूँ 2, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये लिखवाऊंगा फर्स्ट पॉइंट करके 2 meter, ठीक है. यूनिट छोटा है क्योंकि किलोमीटर, डेसीमीटर पीछे चला जाएगा, छोटा और भी हो सकता है. अगर यूनिट हमको बड़ा करना है मीटर से बड़ा, तो ये डिजिट छोटा होते जाएगा. अगर डिजिट बड़ा करना है तो यूनिट को छोटा करना होगा. क्लियर, ये बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कोई ये नहीं है. अगर हम लोग को इसको किलोमीटर में लिखना है तो चलो किलोमीटर में लिख लूंगा, लेकिन इसको लिखना होगा 0.002 किलोमीटर, मतलब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फॉर चेंजिंग द यूनिट्स में, इफ द यूनिट बिकम ग्रेटर देन द क्वांटिटी ब्रैकेट में नंबर बिकम स्मॉलर एंड वाइस वर्सा. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अगले पॉइंट में लिखेंगे, इफ द यूनिट चेंजेस देन द नंबर ऑलवेज चेंजेस. अगर यूनिट चेंज करूंगा तो ये नंबर सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा. ठीक है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है सीटी लेवल में. डायरेक्ट देखे कि व्हेन द यूनिट चेंजेस नंबर चेंजेस, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसमें टिक करने के लिए देगा विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. छोटे लेवल पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस को रटना नहीं है, समझना है. किसी भी चीज का 2 meter लिख लिया, मीटर हो गया यूनिट, यूनिट चेंज करना, चलो किलोमीटर कर ले, क्या 2 ही रहेगा, 2 meter इज इक्वल टू 2 kilometer? नहीं, जब मीटर चेंज करेंगे मतलब यूनिट चेंज करेंगे तो नंबर भी अपने आप चेंज होगा. बोलो ठीक बा, ठीक बा. तो आगे लिखेंगे आगे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कहाँ आती है, यूनिट को मेजर करने में. ठीक है, मेजरमेंट का आगे हम लोग किस स्केल पे मेजर करेंगे वो मैं तुम लोग को देते जाऊंगा. ठीक है, लिखते जाऊंगा. पहले लिखेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. ठीक है, अब बातें आती हैं कि मेजरमेंट जब अपन लोग करते हैं, अब कुछ देर पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया हूँ क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसके पहले मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या इसमें आएंगे, कैसे कैसे सॉल्व करना है, फिर भी मैं धीरे धीरे लिखवाते चलता हूँ, इसीलिए तुम लिखते चलना. ये क्लासेस ओनली लिखने की है, समझाने वाली क्लासेस फिर आएंगी. तो इसमें लिखते चलना अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. लिखना द मेजरमेंट कैन बी, द मेजरमेंट कैन बी, कैन हैव ऑलवेज, लिखना कैन हैव ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी और सम डिग्री ऑफ, सम डिग्री ऑफ क्या लिख सकते हो उसको, मिस्टेक्स, सम डिग्री ऑफ मिस्टेक्स. ठीक है, आगे लिखना एक्सेप्ट नंबरिंग, काउंटिंग, एक्सेप्ट काउंटिंग लिखना, काउंटिंग में मिस्टेक्स नहीं होगा. 2 मतलब 2, 3 मतलब 3, 4 मतलब 4, 5 मतलब 5, लेकिन डिजिट्स जो लिखेंगे जैसे 2.003, 2.004, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 2 आएगा नहीं तो 3 आएगा. काउंटिंग कर रहे हैं तो क्या गलतियां आ सकती है क्या, नहीं, काउंटिंग में गलतियां नहीं आएंगी, 1, 2, 3, 4 कर सकते हैं. लेकिन जब वेट करने की बारी आई, लेंथ नापने की बारी है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती है. अब वो मिस्टेक किस लेवल की होंगी, यहाँ पे बातें आती है. ठीक है, तो मिस्टेक्स कैसे होती हैं, उसके 2 कारण मेन है, जो मेन कारण मैं बता रहा हूँ. पहला, स्किल ऑफ द ऑब्जॉर्बर, मतलब तुम्हारे टैलेंट के ऊपर, स्किल के ऊपर डिपेंड करता है. कि टैलेंट छोड़ो, वो तुम्हारे उस समय की क्या बोलते उसको, इंटेंशंस, उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है. तुम किस कंसंट्रेशन को उसको वॉच कर रहे हो, थोड़ा भी इधर उधर किए तो वो रॉन्ग आएगा. दूसरी, मशीन की गड़बड़ी होती है. मशीन की गड़बड़ी अगर ना भी हो तो मशीन की कैपेसिटी होती है. जैसे कुछ कुछ मशीन की कैपेसिटी में बताता हूँ. केजी जब वेट करती है, कहाँ गया, केजी जब वेट करती है तो 2 kg, आइदर 3 kg, आइदर 4 kg बताती है. कुछ मशीन्स 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे बताती है. अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन आई है, जैसे कि हम लोगों की नंबरिंग सिस्टम पे चलती है, वो बताती है 2.489 ग्राम. तो इतने लार्ज क्वांटिटी बता रही है. अब 2.984 आया और वो देती 2.9, और जो एक ही डिजिट में दिखा था वो डायरेक्ट 3 लिख देता. तो इसमें
एक्यूरेसी जो है वो 2.983 पे है, लेकिन हमारे पास प्रिसाइज वैल्यू और भी है। तो पहले जो थी एक्यूरेसी उतनी नहीं आती थी, लेकिन मशीन्स के अभी भी अगर हम लोग लो लेवल मशीन्स लेते हैं तो मशीन्स के एबिलिटी के ऊपर एरर आ सकता है। एरर को ही हम लोग अनसर्टेनिटी बोलते हैं। एरर मतलब गलतियाँ, गलतियाँ मतलब अनसर्टेन चीज़ है। क्लियर है? तो लिखेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स में, ये लिख चुके हैं ना, लिखना इसमें आगे द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट अगले पॉइंट में इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। दो रीजंस होंगे, पहला पॉइंट करके लिखेंगे स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, इसमें लिखना, अपने से लिखना इसमें खुद से। ठीक है, इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन विच यू कैन वॉच द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे कि एक्सपेरिमेंट ए एक्सपेरिमेंट बी, ऐसे करके लिखना एक्सपेरिमेंट ए एक्सपेरिमेंट बी और एक्सपेरिमेंट सी। ठीक है, अब मानते हैं एक्सपेरिमेंट ए की है तो मेरा आया 2.384 ग्राम और इधर मैं आया 2.4 ग्राम, इधर मैं आया 2.421 ग्राम। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट बी इज एक्यूरेट मान के चलेंगे। मैंने बताया कि एवरेज वैल्यू को एक्यूरेट मानते हैं, मतलब बीच वाले वैल्यू को एक्यूरेट मानते हैं, जो कि इसके और इसके बीच में आया है। ये ज्यादा हो गया है, ये थोड़ा कम हो गया है, तो ये प्रिसाइज हो सकता है क्योंकि ये कमियां हो सकती है हमारे देखने में कि कम रह गया, लेकिन दो बार ज्यादा हो गया ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट बी को एक्यूरेट वैल्यू ट्रीट करेंगे। तो इसमें लिख लेना एक्सपेरिमेंट बी इज ट्रीटेड एज एक्यूरेट वैल्यू व्हाइल एक्सपेरिमेंट ए एंड सी इज ट्रीटेड एज प्रिसाइज वैल्यू। क्या बोलेंगे? प्रिसाइज वैल्यू। क्लियर? इसके बाद से अगला पॉइंट, दूसरे पॉइंट लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग डिवाइस। इसे मैंने क्या बताया, द अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस लाइक एक्सपेरिमेंट ए 2.384, एक्सपेरिमेंट बी 2.38, एक्सपेरिमेंट सी 2.3। तो दिस इज मोर एक्यूरेट, तो इसमें लिखेंगे एक्सपेरिमेंट ए इज मोर एक्यूरेट दैट डिपेंड ऑन डिवाइस। जैसे तुम लोग दूसरी डिवाइस की बात करके बता दो और अच्छा समझ में आ जाएगा। हम लोग क्लॉक लेते हैं, वॉच क्लॉक, तो वॉचेस जो देखते हैं, हैंड वॉच की बातें कर ले अगर, तो उसमें हैंड वॉच की नहीं वॉल वॉच की भी बातें कर ले, तो उसमें देखें कि सेकंड वाली सुई ऐसे घूमते रहती है। किसी किसी वॉच में सेकंड वाली सुई नहीं होती है, पता है क्या? चलो पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो समझ जाना। किसी किसी वॉच में सेकंड वाली सुई नहीं होती है, इसका क्या मतलब कि वो एक्यूरेसी नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम लोग वो 60 सेकंड घूमने हैं ना, अब 60 सेकंड में कहां सुई होगी ये तो पता नहीं, लेकिन अगर सेकंड वाली सुई है तो वो थोड़ी एक्यूरेसी लाई ना, क्योंकि हम लोग को सेकंड भी बता सकते हैं उसको तुरंत कि यहां इतना सेकंड हुआ है। लेकिन जैसे ही सेकंड वाली सुई पे हम लोग नजर डालेंगे और बोलेंगे कि इतना सेकंड हुआ है, तब तक वो घूम चुकी होगी थोड़ी सी और लोग। लेकिन जैसे ही हमारे पास डिजिटल क्लॉक की बातें करें तो इतने बज के इतने सेकंड, इतने मिनट और इतने सेकंड दिखाती है, वो और एक्यूरेट हो गई। अब बातें कर ले अगर स्टॉप क्लॉक की। स्टॉप क्लॉक क्या है? स्टॉप वॉच लगता है ना, स्टॉप वॉच नाम सुने हुए, स्टॉप वॉच रनिंग करते समय लगा दिया जाता है, तो वो सेकंड को भी तोड़ देती है सेकंड में। ठीक है, सेकंड को वन इज ऐसे ऐसे दौड़ती है और वो जैसे ही 100 होगा ये एक सेकंड बढ़ता है, एक सेकंड में वो 100 टाइम्स दौड़ जाती है। तो इस क्लॉक की बातें करो तो वो और एक्यूरेट बताती है। जैसे रनिंग टाइम में जैसे ही ऑन किया जाता है स्टॉप क्लॉक, दौड़ना शुरू होता है और वहां जैसे ही रुकता है रनिंग, फिर स्टॉप कर दिया जाता है स्टॉप क्लॉक को, तो स्टॉप क्लॉक रुक जाती है। तो वहां पे हम लोग निकालते हैं कि फलाना आदमी मतलब अपना दौड़क कौन है, वो जो रिकॉर्ड बनाया रनर वाला, तो जो भी हो उसको हम लोग वॉच करते हैं कि इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड और इतने मिली सेकंड में उसने दौड़ लिया, तो मिली सेकंड भी ना पा गया, ये हुआ मोर एक्यूरेट। तो ये डिवाइस की औकात पे बात आती है, क्योंकि जब तक औकात नहीं रहेगी गलतियां तो करोगे। ठीक है, तो ये डिवाइस की बातें थी। तो दो तरह से गलतियां हो सकती है, मेजरमेंट्स में और ऑब्जॉर्वर्स के औकात पे। देखो तो दो तरह के औकात हैं, ऑब्जॉर्वर्स की औकात और मशीन की औकात, तो दोनों में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, चल आगे की बातें करें।
प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, हेडिंग करेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। क्या है कि तुम लोग को थोड़ा सा शुरुआत में लिखवाने ज़्यादा हैं, ठीक है, समझा दिया हूँ पिछले जो भी सुबह वाले लेक्चर थे उसमें, अभी लिख लो अच्छे से। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में लिखना, लेना एक्यूरेसी डिटरमाइंस हाउ क्लोज, मैं बोल देता हूँ इसको, मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा, ठीक है। एक्यूरेसी डिटरमाइन हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द रियल और ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। मतलब इसमें एक्यूरेसी की बातें कर ले तो एक्यूरेसी क्या बोलता है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कितने डिग्री की अंतर, मतलब कितने क्लोजर हैं, इनको बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू। जो भी अगर एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रखा है तो ये ट्रू वैल्यू के कितने करीब है उसको बोलेंगे मोर एक्यूरेट, क्लियर है। लेकिन प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट नहीं होगा, कैसे, कि प्रिसाइज वैल्यू होता है कि तुमने दो एक्सपेरिमेंट जो किया, जैसे मैं मान के बता देता हूं एग्जांपल, उसके बाद समझना, इसके बाद से प्रिसाइज को लिखवा देता हूं। जैसे मान लो मैंने मतलब विशाल सिंह ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ए के द्वारा जो आया बातें उठ के वो 3.894 है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया किसी इंसान ने, वो दूसरा एक्सपेरिमेंट आया 3.892 आया, चलो मान लिया, क्लियर है। दूसरा जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंट बी ने जो किया, सुनना, सुनते जाना, इधर आया तो इसको मैं ले लेता हूँ 3.648 और ले लेता हूँ 3.328, ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट्स की बातें कर लेता हूँ। इधर में अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो कुछ आएगा ऐसा 3.893 आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 3 आता है, ठीक है। तुम लोग एवरेज निकाल लेना, एवरेज मतलब दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। जो लोग बच्चे हैं उन लोग के लिए, जो लोग थोड़े मैच्योर हो गए हैं यहाँ पे देख सकते हैं 3.894, 3.892, बीच में क्या आता है 3.893, तो एक का ही अंतर था, बीच वाला एवरेज होता है, बीच वाला मतलब एवरेज। चलो इसका एवरेज निकाल लेते, इसका एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा 886 मतलब 3437 मतलब डिवाइड करेंगे, रुक जाओ इसको पूरा ऐड करके ही डिवाइड करना होगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। अगर 2 से डिवाइड करें तो ये एक्यूरेट जो वैल्यू आ जाएगी इसकी वो हो जाएगी 3.488, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी एक्यूरेसी। अगर बोला कि इफ एक्यूरेट वैल्यू इज 3.9, इसमें आगे लिखेंगे इफ एक्यूरेट वैल्यू इज 3.9 देन बातें देखो कहां पे आई, देन एक्सपेरिमेंट ए इज एक्यूरेट, मतलब इसके वेरी क्लोजर है, एक्सपेरिमेंट ए इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, ठीक है। अगर मैं एक्सपेरिमेंट सी की भी बातें करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट खोज रहा है, एक्सपेरिमेंट सी की बातें करूंगा, इसका आ गया एवरेज वैल्यू 3.488 ऐसा आया था, एक्सपेरिमेंट सी की बातें करूंगा, सुनना 4.003, अगर इसके एवरेज की बातें करूं तो 4.002 आएगा, एवरेज आएगा। चलो अब बातें करता हूं थोड़ा सा, यहां पे 3.89 और 4 एक्यूरेट कौन है 3.9 से, तो ये वाले मोर क्लोजर है कि ये वाले मोर क्लोजर है, ये वाला मोर क्लोजर है, तो इस वैल्यू को बोलेंगे एक्सपेरिमेंट ए इज, सुनना, एक्सपेरिमेंट ए इज मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज, मतलब ये मोर एक्यूरेट भी है और मोर प्रिसाइज भी है। यहां देखना एक्सपेरिमेंट सी मोर एक्यूरेट नहीं कहेंगे, एक्सपेरिमेंट ए सी इज नॉट एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज, क्लियर, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज है। एक्सपेरिमेंट बी इज नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक्यूरेसी मतलब बहुत ही क्लोजर डिजिट को बोलेंगे एक्यूरेसी, और प्रिसीजन इसको बोलेंगे कि तुमने ही दोनों एक्सपेरिमेंट किया और तुम्हारे दोनों एक्सपेरिमेंट में, सुनना, तुमने दो एक्सपेरिमेंट किया और तुम्हारे दोनों एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज का डिफरेंस आ रहा है वो माइनर आ रहा है। यहां देखो एक्सपेरिमेंट में 3.6, 3.3 वेरी लार्ज डिफरेंस, इट इज रॉन्ग एक्सपेरिमेंट, जिसने भी किया आराम से किया और उसने गलतियां की। यहां देखो 3.89
मतलब इसने सटीक किया यार, 4.00 बस लास्ट डिजिट में थोड़ी थोड़ी अंतरे आई, मतलब ये दोनों जो बच्चे थे वो मोर प्रिसाइज थे, समझे? मतलब आपने दोनों एक्सपेरिमेंट के वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं लाना, इसको बोलते प्रिसाइज वैल्यू करना। अगर एक्यूरेसी के करीब जाना इसको बोलते एक्यूरेट करना, समझे? अब बातें आई कि प्रिसाइज इसमें से कौन है, तो ये भी प्रिसाइज है, ये भी प्रिसाइज है, दोनों प्रिसाइज वैल्यू, एक्सपेरिमेंट ए एंड एक्सपेरिमेंट सी बोथ आर प्रिसाइज, बट एक्यूरेट की वैल्यू आई तो एक्सपेरिमेंट एक ही एक्यूरेट होगा ना, कि दोनों एक्यूरेट हो जाए, कोई एक एक्यूरेट होगा, तो एक्सपेरिमेंट ए इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, एक्सपेरिमेंट सी इज नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज, बट प्रिसाइज, ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट बी इज रॉन्ग एक्सपेरिमेंट, क्लियर है? ये तीनों को लाइन बाय लाइन करना। इसके बाद से प्रिसाइज होने का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि दोनों वैल्यू सिमिलर वैल्यू आनी चाहिए, उसको प्रिसाइज वैल्यू बोलते हैं। मैं लिखवा देता हूं, ठीक है? ये लिखने के बाद तुम लोग हेडिंग करना प्रिसाइज, प्रिसाइज वैल्यू किसको बोलते हैं, प्रिसाइज वैल्यू में देखना, प्रिसिशन रेफर टू हाउ क्लोज द टू मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी आर, इन अदर वर्ड्स प्रिसिशन डिसाइड हाउ डू द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स एग्री विथ ईच अदर, मतलब दोनों के इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स मेजरमेंट्स जो हैं इंडिविजुअल्स वो कैसे एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा प्रिसिशन, क्लियर है? चलो प्रिसिशन अगर खत्म हो गया हो तो हम लोग आएंगे, इसको लिख लेना कि इफ एक्यूरेट वैल्यू इज 3.9 देन ए इज मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज, सी इज ओनली प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, बी इज नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, या इट इज रॉन्ग, ठीक है ना? रॉन्ग लिखने से अच्छा नाइदर एक्यूरेट नाइदर प्रिसाइज लिख सकते हैं, यह बेटर होगा, ठीक है? इसके बाद से जो बातें आएंगी